जय श्री राम प्रिय भक्तों, ये किसी ने कमेंट किया है कि गायत्री मंत्र, हरे कृष्ण हरे रामा और सोहंग मंत्र, तीनों में से किसका जप करना चाहिए? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बताइए मुझे। तो प्रिय भक्तों, तीनों मंत्रों में से किस मंत्र का जप करना चाहिए? वैसे तो यह तीनों मंत्र सिद्ध हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, लेकिन जिस मंत्र पर आपका पूरा विश्वास हो उसी मंत्र को जपें। वैसे तो आप किसी भी मंत्र को बिना विश्वास के भी जपेंगे तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा, उसका फल मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना विश्वास के साथ मिलता है। लेकिन यह मंत्र आपको संसार की सामग्री दिला सकते हैं, जैसे कि यश धन दिला सकते हैं, मनोकामना पूरी करा सकते हैं, लेकिन इनमें जो सोहंग मंत्र है वह प्राकृतिक है, जो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने अपनी साधना के द्वारा जाना है, जो कि परम सिद्ध है, जो हमारी श्वासों में घुला हुआ है। श्वास ऊपर जाती है तो स्वतः ही सो की आवाज होती है, और जब श्वास नीचे आती है तो हंक की आवाज आती है। सोहंग सोहंग होने से हंसो बन जाता है। यह आप स्वयं भी अपने श्वास को खींचकर और छोड़कर देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं कि हंस उड़ गया। हर प्राणी के अंदर हंस नाम का प्राण है, उसी को संत अजपा गायत्री कहते हैं। जो व्यक्ति इस हंस नाम का जप करता है वह इस लोक में भी और परलोक में भी सफलता प्राप्त करता है, लेकिन जो मनुष्य सोहंग मंत्र का जप निरंतर एकाग्रता और विश्वास के साथ जपता है वह तीनों लोकों में वंदनीय होता है, और अंत समय में ऐसे व्यक्ति को भगवान का परम धाम मिलता है। यानी कि एकमात्र सोहंग मंत्र ऐसा है जो आपको पाप पुण्य से मुक्ति दिलाकर आपको ईश्वर की प्राप्ति कराता है, मोक्ष पद की प्राप्ति कराता है। तो अब आपका जिस भी मंत्र पर विश्वास है आप उसी मंत्र को जपें। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।